आप लोग रेडी हो ना सुनने के लिए? तो सुनो फिर, डब्बे में डब्बा, डब्बे में मिठाई, ये स्लो मो चेक कर लें। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं हसाम और आप इस वक्त देख रहे हैं सेट वाइज रिव्यूज। हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग एक किचन प्लेस सेट की, जो कि ये रहा, इसकी अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग करेंगे इसी वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं स्टार्ट। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कहाँ जा रहे हो? चैनल को किए सब्सक्राइब? अगर नहीं किया तो नीचे लाल सा बटन है, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, ना देखा तो फिर खैर नहीं होगी। तो ये वाला हाल होगा, देख तो लिया होगा कि क्या होता है यहाँ पे हमारे चैनल पर। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इस तरह का इसका बॉक्स है, इसके बॉक्स पर लिखा हुआ है किचन लीटर शेफ प्लेस सीरीज 3+ है, जिसके लिए रिकमेंड होता है। इसमें मज़े की चीज़ है वो ये है, वाटर टैप, ये ऑन ऑफ होता है, इसमें वाटर रियल का आता है। इसकी अनबॉक्सिंग काफ़ी एक्साइटिंग होने वाली है। अगर आप लोग रेडी हो तो इसके डब्बे को ओपन करते हैं। ओह, डब्बे से तो एक शेर मुझे याद आया जो आपकी नज़र करूँगा। आप लोग रेडी हो ना सुनने के लिए? तो सुनो फिर, डब्बे में डब्बा, डब्बे में मिठाई, डब्बे में डब्बा, डब्बे में मिठाई, तुम सब की याद मुझे यहाँ खींच लाई। वाह 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 वाह, तालियां बजा दो। वाह 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 वाह। तो इसके बॉक्स को ओपन करते हैं फटाफट से। इसके बॉक्स को ओपन करने के बाद हमें ये चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, ये हैं स्टिकर जो कि लगेंगे इस बॉटल के ऊपर भी और काफ़ी जगहों पर, ठीक है। ये स्टिकर्स हम नहीं लगाएंगे, लेकिन ये इस पर लग सकते हैं, तो आप खुद लगा लेना। सेकंड चीज़ आती है हमारे पास, एक अच्छी सी पैकिंग में इसकी एसेसरीज़ हैं, जिसमें काफ़ी चीज़ें, कप है, स्पूंस हैं, उसके बाद कपड़ा है, ग्लास है, और वेजिटेबल्स हैं काफ़ी ज़्यादा, ब्रश है एक, और इसे ओपन भी कर लेते हैं हम। उसके बाद हमारे पास एक ये सिंक मिलता है हमें, ये तो ये इस तरह का सिंक है, और यहाँ पर सुराख बना हुआ है जो कि मैं बाद में बताऊँगा किस लिए बना हुआ है, और ये वाला हाना किस लिए है। उसके बाद ये हमारे पास टोकरी किस लिए है, ये चीज़ जाली किस लिए है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने लगा हूँ, तो वीडियो को देखते रहें। ये देखें, ये ऐसे ओपन हो जाता है, इसके नीचे हमें मिलता है ये टैप, ये टैप, ये देखें यहाँ पर मोटर लगी हुई है इसकी, ठीक है। इसे हमें ओपन करना पड़ेगा, यहाँ पर डलेंगे इसके सेल्स, और ये टैप है, ये ऑन ऑफ के लिए होता है। सबसे पहले हम इसे असेंबल कर लेंगे। ये देखें, काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज है हमारे पास, या नीचे इसमें वाटर सेव होता है, इधर वाटर डालना पड़ेगा हमें, जो कि हम पहले डाल लेते हैं ताकि बाद में परेशानी ना हो सेटअप के बाद। ये वाटर में ले आए हम, बॉटल में डाल के इसे इसमें डालेंगे। ये देखें, हम इसे फुल भी कर सकते हैं और जितना मर्ज़ी इसमें वाटर डाल सकते हैं, अपनी मर्ज़ी आपकी, जितना डालना चाहेंगे। मैंने थोड़ा सा ही डाला है क्योंकि मेन चीज़ है आपको टेस्टिंग करवाना है ये कैसे वर्क करता है, तो उस हिसाब से मैंने थोड़ा सा डाला है जो कि हमारे लिए काफ़ी है। तो इसे फिर हम क्लोज़ कर लेंगे, इसे हम क्लोज़ कर लेंगे ऐसे, और इसके बाद हमें इसको फिट करना है यहाँ पर, लेकिन पहले इसमें सेल डालने पड़ेंगे जो कि भी डालते हैं हम। इसे ओपन करना पड़ेगा यहाँ से ऐसे, और ये भी ओपन करना पड़ेगा, ये ऐसे ओपन हो जाएगा। इसमें डालेंगे चार सेल, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, इसमें चार सेल डालते हैं। ये देखें, इसमें हम सेल इंस्टॉल करने लगे, इस तरह से ये इंस्टॉल हो जाएंगे इसके अंदर जैसे, फिर इसके बाद ये क्लोज़ हो जाएगा ऐसे करके, फिर हम इसे स्क्रू कर लेंगे। इसकी मैं आपको आवाज़ सुनवाता हूँ, ये देखें इसके मोटर की आवाज़ है, ये देखें। हम इसे यहाँ पर फिट कर देंगे इस तरह से, ये यहाँ पर फिट हो गया, ठीक है।
और एक मिनट, मैंने गलत कर दिया, इस साइड हो जाएगा ये ऐसे, ये देखें ये इस तरह इंस्टॉल हो गया। उसके बाद हम इसे फिट करेंगे यहाँ पर ऐसे। उसके बाद ये हमारे पास टोकरी है, ये भी यहाँ पर फिट हो जाएगी इस तरह से। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉलेशन का तरीका ऐसे है कि इसको हम रखेंगे यहाँ पर, और इसके बाद हम यहाँ पर ये रखेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर ये रखेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर वेजिटेबल्स डाल देंगे। वेजिटेबल्स यहाँ पर आ जाएंगे सारे, ठीक है। और ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर। हम ये सेम टू सेम बॉक्स की तरह, जैसे बॉक्स पर इसकी तस्वीर बनी हुई है वैसे ही बना रहे हैं, देखते हैं कैसा बनता है। ये हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और स्पून्स आ जाएंगे हमारे पास यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से स्पून्स आ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास आएगा ये ऐसे, और ये सॉरी ये ऐसे, और ये ऐसे, ठीक है, ये यहाँ पर लगेगा, ये लग गया ऐसे। इसमें यहाँ पे हमारे पास ये कपड़ा लटका हुआ है इस तरह से, ये यहाँ लटक जाएगा। हमारे पास एक ये चीज़ है, इस चीज़ में ये लगेगी, ये चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ये देखें ये ऐसे, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पर लटका देंगे, ये ब्रश हमारा यहाँ पर आएगा। और इस चीज़ की नहीं पता चला ये क्या चीज़ है, पता नहीं क्या है क्या नहीं, शायद ये ढक्कन है किसी चीज़ का। तो ये भी हमारा ये नहीं, ये हमने सेटअप कर लिए। यस, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें बॉक्स के ऊपर तस्वीर देखें, और इसके बाद ये देखें, टाटा, है ना, देखें सेम टू सेम मैंने सेटअप कर दिया आपको। ये इसके बाद आप इसका मैजिक चेक करना, ये टैप ओपन किया, पानी आ रहा है, देखो। आपको करीब से दिखाऊं तो ये देखें पानी यहाँ सुराख में जा रहा है, नीचे चले जाएगा इस टैंकी के अंदर, तो ये रोटेट होता रहेगा, यानी कि ये आपका यहाँ फैलेगा नहीं, कहीं और गिरेगा नहीं। तो ये रहा हमारा आज का किचन सेट जो हमने आपको दिखाया। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और आप सोच रहे होगे इस वीडियो में क्यों नहीं हसाम भाई ने वॉइस चेंज की, इसकी भी एक रीज़न है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ये था हमारा आज का टॉय, वीडियो को लाइक कर देना, ये स्लोमो चेक कर लें, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि आप अपना ढेर सारा ख्याल रखेंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉय के साथ मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।